हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस त्यागी मिशन सक्सेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये पॉलीगन का दूसरा पार्ट है। इससे पहले पार्ट में मैंने बहुत सारे पॉलीगन्स में उनके आंतरिक और बाह्य कोणों पर आधारित क्वेश्चनों को कराया था। ये जो पार्ट है इसमें मैं अलग से हेक्सागन को कराना चाहूँगा, जो षटभुज है, क्योंकि षटभुज से क्वेश्चन पेपर में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, तो उसी षटभुज को मैंने इसलिए अलग तरीके से लिया है। तो यहाँ जो करेंगे वो रेगुलर हेक्सागन के बारे में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं क्या है कि इसकी कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताता हूँ। देखिए, तो सबसे पहले अपना क्या है भाई, हाँ तो ये है अपना हेक्सागन, ठीक है भाई, ये है अपना हेक्सागन। चलिए हेक्सागन के बारे में कुछ छोटी छोटी चीज़ें सबसे पहले हम समझते हैं। ये है भाई अपना हेक्सागन। अब क्या क्या समझना है, तो सबसे पहले देखिए इसकी ये एक हमने इसका सेंट्रोइड ले लिया, ठीक है भाई, ये इसका एक सेंट्रोइड है, केंद्र बिंदु है। इस केंद्र बिंदु पर अगर हम इसकी तीनों भुजाओं को मिलाएं, देखो ये ध्यान देने वाली बात है कि ये केंद्र बिंदु है, केंद्रक है, इस पर हम इसकी सारी भुजाओं को इस तरीके से कनेक्ट करें, इस तरीके से कनेक्ट करें, ठीक है, तो ये जो बन गए वो छः इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए, ठीक है भाई, छः इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए और सारे के सारों का एरिया बराबर होगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो एक षटभुज होता है, रेगुलर हेक्सागन होता है, वो छः इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है भाई, तो इसका एरिया भी छः इक्विलेटरल ट्रायंगल के बराबर होगा। अब देखो ये बात हुई, इसके बाद इस अब बात करते हैं हम इसके विकर्णों का, थोड़ा सा खेल समझते हैं कि इसमें किस तरीके से विकर्ण बनते हैं, ठीक है भाई। तो देखो ये विकर्ण जो इसके बन रहे हैं उसके बारे में देखते हैं। देखो अब इसमें एक तो अपना ये वाला विकर्ण बनता है जो इसके बिल्कुल मिडल में जाता है, ठीक है। अब इस विकर्ण को मिलने से हमने एक चीज देखी कि ये जो पूरा का पूरा हेक्सागन है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है, और दोनों ही दोनों क्या है, ये समलंब है, दोनों के दोनों कैसे हैं, समलंब है भाई, समलंब चतुर्भुज है दोनों के दोनों, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई होती है, अगर मैं बात करूं कि ये भुजा ए है, तो इसकी जो मिडल वाले विकर्ण की होती है, ये सबसे बड़ा विकर्ण होता है, इसकी इसके दुगनी होती है, बिल्कुल 2a होती है, ठीक है। तो ये एक ऐसा ऐसे दो समलंबों से मिलकर बना हुआ होता है जिसकी एक भुजा ए हो और दूसरी भुजा 2a हो, ठीक है। अब इसका एक विकर्ण तो ये बना और एक विकर्ण इसका ये वाला बनता है इस टाइप से, ठीक है, एक विकर्ण ये हो गया और एक विकर्ण ये वाला बनता है। इसकी कितनी होती है, तो जब ये वाली भुजा भी ए है, ये भी भुजा ए है भाई, भुजा तो सारी ए ही है ना, क्योंकि ये सारा क्या है, एक छः बराबर भुजाओं वाला हेक्सागन है। अब देखो ए और ए और ये वाला एंगल जो है, तो आंतरिक कोण वाली वीडियो में बताया था, या निकाल के देख लीजिए आप, 120 आएगा। तो हमें एक बात ये याद रखनी होती है कि जब भी कोई त्रिभुज ऐसा है जिस त्रिभुज की दोनों भुजाएं ए ए हों और बीच का कोण कितना हो, 120 हो, तो उसकी जो तीसरी वाली भुजा होती है वो रूट 3a होती है, ठीक है भाई, ये रूट 3a होती है। तो इसलिए जब ये वाला a हो गया, ये a हो गया, तो ये भुजा जो हो जाएगी वो रूट 3a हो जाएगी। तो कुल मिला के अपने एक बात समझ में आती है कि भाई जो रेगुलर हेक्सागन है उसका बड़ा विकर्ण तो 2a के बराबर होता है, अगर ये भुजा a है तो ये 2a होता है, और जो छोटा विकर्ण होता है वो रूट 3a के बराबर होता है, ठीक है। चलो अब इतनी बात हुई, उसके बाद मैंने बताया इसके क्षेत्रफल के बारे में, तो क्षेत्रफल का क्या है, चलो क्षेत्रफल भी देख लेते हैं। देखिए क्षेत्रफल का क्या है, ये देखो, ये देखिए, तो क्षेत्रफल में क्या करेंगे भाई, जैसे यहां देखो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल और इसी तरीके के जो बनेंगे यहाँ छः इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे,
तो अगर मैं इसकी भुजा ए मानूं तो आप सभी जानते हैं कि भाई ए भुजा वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3y4 ए स्क्वायर, ये होता है अपना एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। लेकिन ये तो ऐसे ऐसे छह से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसका जो एरिया होगा वो 6 × 1 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, ऐसा होता है इसका क्षेत्रफल, ठीक है, ऐसा होता है। उसके बाद हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में एक बात और याद रखनी है कि अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की भुजा 2 है, ठीक है, तब उसका जो एरिया होगा वो √3 होगा। 2 भुजा वाले का कितना होगा? √3 होगा। अब जैसे मान लो मुझे चाहिए कि भाई 4 भुजा वाले का कितना होगा, तो आप कहोगे भाई भुजा जो है वो 2 गुनी हो गई, तो एरिया जो है वो 2 के स्क्वायर में गुना होगा। जैसे ये 2 गुनी हुई है, 4 गुना होगा, तो कह सकते हैं ये 4√3 हो जाएगा, ठीक है। या मैं कहूँ कि भाई भुजा अगर 2 से 8 है, तो आप कहोगे भाई 2 से 8 तो 4 गुना हो गई, तो एरिया 16 गुना होगा, ठीक है, 16√3, क्योंकि एरिया जो है वो भुजा के स्क्वायर में गुना होता है। ये बात बहुत काम देगी इसमें, ठीक है। चलिए, तो इसमें अब हमने इतनी बात करी, हमने विकर्णों के बारे में बात करी, इसके एरिया के बारे में बात करी, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब हम चलते हैं सवालों की तरफ। चलिए, तो ये है अपना पहला सवाल। अब इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें छायांकित और शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित का और शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो, छायांकित भाग को एक बार ध्यान से देखो, तो छायांकित भाग पहली बात तो एक ही ट्रायंगल के अंदर आता है। भाई ये देख रहे हैं हम, जैसे एक मिनट, ये देखिए, ये जो है ये अपना एक त्रिभुजी तो है इसका, भाई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर मैं इस तरीके से इसे बनाऊँ, देखो यहाँ देखो, ठीक है, या फिर चलो एक काम करते हैं, इसे मैं अलग से यहाँ बना के दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इसके अंदर ये इसका क्या है, ये सेंट्रोइड है, माध्यिकाएं सारी इससे मिल रही हैं, सेंट्रोइड है इस तरीके से। तो ये जो बना वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, और ये तीनों बराबर बराबर पार्ट के हैं, बराबर बराबर मान के 3 क्षेत्रफल है ये, ठीक है। तो एक ट्रायंगल 3 त्रिभुजों से बनकर बना, जिनका एक एक एरिया है। तो हमें पता है कि अगर एक एक एरिया है, तो इसका जो शेडेड पार्ट दे रखा है अपने अपने क्वेश्चन में, वो ये वाला पार्ट दे रखा है, ये वाला, मतलब कह सकते हैं 3 में से 2 पार्ट ही शेडेड दे रखे हैं। तो हमें निकालना है शेडेड छायांकित का शेष भाग के क्षेत्रफल। तो छायांकित का एरिया कितना हुआ? 2 हुआ। छायांकित का एरिया कितना हुआ? 2 हुआ। और इसका पूरे के साथ निकालना है हमें। तो बताओ, अब एक त्रिभुज जो है वो टोटल 3 एरिया दिखाता है, एक जो त्रिभुज है ये वाला वो 3 एरिया में दिखाता है, और ऐसे ऐसे पूरे के अंदर कितने हैं? 6। तो 3 × 18, भाई 3 1 का एरिया हुआ, और ऐसे ऐसे कितने हैं इसमें? 6 हैं, तो 3 × 18। तो 2 का हमें इसके साथ निकालना है रेशियो, 2 3 6, तो 1/9, ठीक है भाई, ये समझ में मेरे हिसाब से आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो इसमें हमें निकालना है कि चित्र में PQRSTU एक षटभुज है, और इसकी भुजा 12 है, हमें निकालना है SQU का एरिया। तो बताओ भाई, जब SQU का एरिया निकालना है, तो हमें SQU की एक भुजा चाहिए कि भुजा कितनी होगी, ठीक है। तो भुजा करने के लिए अब हम क्या करेंगे, देखो भाई, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इसकी भुजा कैसे निकलेगी। देखो, अगर ये भुजा ये 12 है, सही है भाई, ये 12 है, ये भी 12 है, तो मैंने बताया अगर 2 भुजा 12, बीच का कोण 180 है, तो ये 12√3 आएगी। कितनी आएगी साइड इसकी? 12√3 आएगी। अब बताओ, चाहे तो भाई देखो आप इसका एरिया ऐसा निकाल लो, क्योंकि ये भी 12√3, ये भी 12√3, और ये भी 12√3, तो ये एक ऐसा इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया जिसकी भुजा कितनी है? 12√3। अभी अभी मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि भाई अगर अगर त्रिभुज की भुजा 2 है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की भुजा 2 है, तो एरिया कितना होता है? √3। अब बताओ, 2 से 12√3 बनी है, भाई भुजा कितनी है? 12√3, तो आप कहोगे कितने गुना हो गई? तो 6√3 गुना हो गई। तो बताओ, अगर भुजा 6√3 गुना हुई है, तो एरिया कितना होगा? तो आप कहोगे 6√3 का स्क्वायर। तो 6√3 का स्क्वायर कितना हो गया? 36 × 3 108 गुना हो जाएगा। भाई 6√3 का स्क्वायर कितना? 108 गुना हो जाएगा। अगर भुजा 6√3 गुना हुई है, तो 6√3 गुना का स्क्वायर 108 गुना कितना हो जाएगा? 108√3 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इसका जो आंसर है वो 108√3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, या फिर अगर ऐसा नहीं करते आप, अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आई,
तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें एरिया का फॉर्मूला ही लगा सकते हो। चलो मैं लगा के दिखा देता हूँ। देखो रूट थ्री वाई फोर और ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना है अपना 12√3 गुणा 12√3, ठीक है, यहाँ से निकाल लीजिए। लेकिन फिर इसमें वही टाइम लगेगा। तो देखो ये कितना हो गया, 12 + 36 और गुणा √3 की 3 बार गुणा है, तो ये भी 3√3 आ जाएगा, तो यहाँ से भी 108√3 आ जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए अब इसमें क्या है, इसमें दिया हुआ है, देखो पहला चित्र पढ़ते हैं अपना, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो ये दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ एक समषटभुज है जिसकी भुजा 12 है, इसकी भी भुजा 12 दे रखी है भाई, और पी क्यू आर क्रम से ए एफ ई डी और बी सी के मध्य बिंदु हैं। जो ये पी क्यू आर हैं, ये वाले पी क्यू आर, ठीक है, तो ये क्या है, ये वाले पी क्यू आर ये मध्य बिंदु हैं, और हमें निकालना है कि पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना होगा। पी क्यू आर, अच्छा जो ये बीच में ट्राइंगल है इसका हमें एरिया निकालना है। तो देखो है तो ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ही, लेकिन अब इसमें एक चीज़ ज़रा समझिए, देखो क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं, एक चीज़ इसमें समझिए। देखो जैसा ये एक ठीक है, ये समझो जैसे ये क्या है, ये एक समलंब है, तो समलंब की अगर ये भुजा ए होती है और ये भुजा बी होती है, तो अगर हम इसके दोनों के मध्य बिंदुओं को मिला दें और ये मान लीजिए ये पी क्यू बन गई, तो ये जो पी क्यू होगी वो इसका एवरेज होगी, दोनों साइडों का औसत होगी, और औसत कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी बाई टू। कहने का मतलब ये है कि अगर एक समलंब चतुर्भुज है तो उसकी अगर ये दोनों समांतर भुजाएँ ए और बी हैं, तो जो बीच वाली भुजा होगी ना, जो तो मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी है, वो इन दोनों के योग के आधे के बराबर होती है। वही कंसेप्ट हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं, देखो भाई वही कंसेप्ट हम इसके अंदर यूज करेंगे। देखो देखो अगर मैं इन दोनों को मिला देता हूँ, ये मिला दी मैंने, ए और डी मिला दी, तो अब आप ये कहोगे भाई ए और डी जो हैं, तो अगर ये भुजा इसने 12 दे रखी है, तो आप कहोगे ये तो बड़ा वाला विकर्ण है, और बड़ा वाला विकर्ण इसका दुगुना होगा, कितना होगा, 24 होगा। और ये जो आर पी है, वो जैसे मैंने अभी समलंब चतुर्भुजों के मिडिल पॉइंट मिला के बनाई थी, वो मिलकर बनी हुई है, तो इसका मतलब ये जो चीज़ हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 12 + 24 का आधा, भाई कितना 12 + 24 का एवरेज, ये चीज़ तो अभी समझाई थी पीछे, तो ये 36/2 कितना हो गई, ये 18 हो गई। और ये जो त्रिभुज हो गया ना, जो अपना पी आर और ये वाला पी क्यू आर वाला जो त्रिभुज है, ये जिसके ऊपर मैंने रेड रेड करा है, ये एक ऐसा त्रिभुज बन गया जिसकी भुजा तीनों कितनी कितनी है, 18 18 है। तो बताओ अभी मैंने बताया दो भुजा वाले का कितना होता है, आप कहोगे दो भुजा वाले का भाई ये तो हमने 18 भुजा निकाल ली। अब हमारा क्वेश्चन इतना सा बचा कि 18 भुजा वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हमें बताना है। तो देखो 18 भुजा वाले का बताता है, तो मैंने बताया था कि दो वाले का कितना होता है √3, तो 18 वाले का कितना होगा, आप कहेंगे 9 गुना कर दीजिए, तो 9 गुना अगर भुजा हुई है तो ये कितनी हो जाएगी, इसके स्क्वायर में गुना हो जाएगी, 81 गुना हो जाएगा, और 81 गुना कितना हो जाएगा, 81√3, सॉरी 18 नहीं, ये 81√3 है भाई, याद रखना 81√3, ठीक है, ये बात तो ये नहीं। तो अब ये इस तरीके से हमारी समझ में आया, चाहें तो आप फिर से वही फॉर्मूला लगा लीजिए √3/4a², ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई, दमदार क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि दिए गए चित्र में एक समषटभुज है, छोटे वृत्त और बड़े वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये हमने हमसे पूछा है। तो देखो भाई छोटे और बड़े वृत्त, तो वृत्तों का क्या करना पड़ेगा, वृत्तों की त्रिज्या निकालनी पड़ेंगी, और अगर ध्यान से देखें तो दोनों ही भाई, एक ये छोटा वाला है ये भी अंतःवृत्त है, ठीक है, और ये बड़ा वाला है ये भी किसी का अंतःवृत्त है, जो नीला वाला त्रिभुज है ना ब्लू वाला, उसके अंदर ये छोटा सा जो वृत्त है बड़ा वाला वृत्त, इसी वृत्त का जो है ये तो बड़े वाले का अंतःवृत्त है, और जो छोटा वाला है वो ऊपर वाले त्रिभुज का अंतःवृत्त है। तो कुल मिला के हमें अंतःवृत्तों की त्रिज्याओं के बारे में पता होना चाहिए कि भाई अंतःवृत्तों की त्रिज्या कैसे निकालते हैं। तो अगर ये बड़े वाले आप गोले को देखोगे, तो बड़ा वाला गोला तो नीले वाले त्रिभुज का एरिया है, ठीक है, मैं इनका नाम दे देता हूँ, एक मिनट रुको जरा, चलो मैं अलग ही अलग बना देता हूँ, दोनों के चित्र अलग ही अलग बना दे रहा हूँ,
ठीक है, दोनों के चित्र हम अलग ही अलग बना ले रहे हैं। देखो ये तो हुआ बड़ा वाला, और एक छोटा वाला बना रहा हूँ। सॉरी ये तो बड़ा ही हो गया यार। देखो ये दोनों मैंने यहाँ बना दी, एक वृत्त ये है, ठीक है, एक वृत्त ये है, ठीक है। तो अब ये देखना, एक बड़ा है एक छोटा है, तो बड़ा वाला तो इक्विलेटरल है। तो इक्विलेटरल का क्या होता है भाई, इक्विलेटरल जो ट्रायंगल के अंदर अंतः वृत्त बनता है उसका जो अंतः वृत्त की त्रिज्या होती है आर, वो होती है भैया ए बाई टू रूट थ्री। क्या होती है? ए बाई टू रूट थ्री। कह सकते हैं कि अगर हमें इसकी भुजा ए मिल जाए, जो ये नीला वाला रखा है ना अपने चित्र के अंदर, ये जो रखा है नीला वाला ये, तो अगर हमें इसकी भुजा मिल जाए तब तो हमें बड़े वाले का अंतर्वृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी और वहाँ से हम क्षेत्रफल का निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलो पहले इसी पे काम करते हैं। देखो तो इसकी भुजा कितनी आएगी भाई, अब हम एक काम करते हैं, हम इसकी जो बाहर है ना ये हम दो मान लेते हैं भाई, जो बाहर वाला षटभुज है षटभुज की भुजा को दो मान लेते हैं। दो मानने का फ़ायदा मिलेगा आगे अभी बताएंगे, दो मान लेते हैं। तो आप कहोगे भाई इसकी तो फिर दो रूट तीन होगी, इसकी क्या होगी, ये दो रूट तीन होगी। और जब दो रूट तीन होगी तो यहाँ हम इसमें रख के भाई यहाँ रख के इसे आर निकाल लेंगे। ठीक है, बड़े वाले की तरह मैं आर वन माने ले रहा हूँ, तो आर वन निकाल लेंगे। ए का मान कितना आ गया? दो रूट तीन, और नीचे भी दो रूट तीन। ठीक है, तो ये कट के कितनी आ गई? एक। तो कहने का मतलब ये है बड़े वाले त्रिभुज की जो बड़ा वाला अंतः वृत्त है उसका एक आ जाएगी, उसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी? एक आ जाएगी। ठीक है भाई, तो अब हमारा एक तरफ से तो काम हुआ ख़त्म भाई, एक तरफ से तो हमने आर वन निकाल लिया, इसका काम तो हमारा ख़त्म हुआ। आर वन कितनी आ गई हमारी? वन आ गई। ठीक है, चलो अब हम आर टू निकालते हैं। तो देखो आर टू के लिए क्या करना है, चलो ये वाला देखो आर टू, चलो एक बार फिर से चित्र दिखा रहा हूँ। देखो आर टू ये है, मैं जूम कर रहा हूँ इसे, ये है आर टू ऊपर वाली जो छोटा वाला है ना, छोटा वाला, इसके लिए काम कर रहे हैं। तो देखो वही भुजा थी भाई, मैंने बताया कि ये वाले जब 120 डिग्री पर दो बराबर भुजा होती हैं तो ये रूट तीन ए होता है। तो अब हमारे पास ये जो त्रिभुज है ना, तो ये ऐसा त्रिभुज है, आप देखिए ये त्रिभुज ऐसा त्रिभुज है जिसकी ये भुजा मैंने कितनी मान रखी है? दो मान रखी है, ये भी दो मान रखी है, और ये दो रूट तीन है। ठीक है, और इसका ही वो अंतःवृत्त है जिसकी हमें त्रिज्या चाहिए। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या का सूत्र जो होता है वो डेल्टा बराबर आर एस होता है, डेल्टा बराबर आर एस, या आर बराबर जो होता है वो डेल्टा अपॉन एस। तो कहने का मतलब ये है हमें यहाँ डेल्टा अपॉन एस चाहिए। डेल्टा क्या है? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है, और एस क्या है? इसकी भुजाओं के मतलब अर्ध परिमाप एस। तो हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी चाहिए और तीनों भुजा भी चाहिए। तो तीनों भुजा तो ये आ गई, अब हमें चाहिए इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ से इस पर लंब डालते हैं, जब ये लंब डालते हैं 90 डिग्री का, तो ये तो क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज का ऐसा बराबर सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा। ठीक है, दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा, नहीं सॉरी एक मिनट रुको रुको रुको, ये तो दो रूट तीन होगा ना, ये दो रूट तीन हो, तो दो बराबर भुजाओं में विभाजित करेगा। तो कह सकते हैं कि ये इधर का पोर्शन भी रूट तीन होगा और ये इधर का पोर्शन भी रूट तीन ही होगा। ठीक है, अब ये रूट तीन है, और देखो और ये वाला एंगल कितना है? 60। क्यों? क्योंकि दो बराबर उसमें समद्विबाहु होगा, ये भी, ये 60, और ये कितना है? ये अपना 30 है। तो देखो 60 के सामने रूट तीन, 90 के सामने दो, तो ये भुजा कितनी आ जाएगी? एक आ जाएगी। अब हमारे पास इसका आधार भी है और ऊंचाई भी है। ठीक है, तो हम यहाँ से इसका एरिया निकालेंगे, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा? एक बटे दो आधार गुणा ऊंचाई। एक बटे दो आधार कितना है इसका? दो रूट तीन है त्रिभुज का, और ऊंचाई जो अभी निकाली है ये एक है। तो कह सकते हैं कि दो से दो कटने के बाद इसका कितना आ जाएगा? रूट तीन आ जाएगा। अब आप इस बात को याद भी कर सकते हो, किस बात को याद कर सकते हो, कि भाई ये जो सम षटभुज है ना, तो इन सम षटभुज की अगर भुजा दो है तो ये जो छोटा वाला होता है ना, ये वाला छोटा वाला, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो दो होता है। तो अब हमें इसका क्षेत्रफल मिला, हमें तो उसकी त्रिज्या निकालनी है अंतःवृत्त की, इसी वृत्त के अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी है। चलो चलते हैं, तो इसी वृत्त के अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या आर बराबर अभी हमने क्या निकाली? डेल्टा अपॉन एस। यहाँ से डेल्टा कितना आया? हमने अभी निकाला है ऊपर रूट तीन,
और एस से क्या होगा, तो एस होगा तीनों भुजाओं के योग का आधा, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, यही होता है हमारा एस। अब देखो एस में तो ये भुजा कितनी है, एक मिनट, दो दो और दो रूट तीन, इन दोनों तीनों को जोड़ के हाफ कर देंगे, वही होगा एस। ठीक है चलो, तो देखो तो यहाँ करेंगे हम टू प्लस टू रूट थ्री इज डिवाइडेड बाई टू, ये हो गया एस। देखो क्वेश्चन लंबा नहीं है, ये मैं इतना समझा रहा हूँ इसलिए लग रहा है लंबा नहीं है, जब आप इसे करोगे तो नहीं लंबा लगेगा। ठीक है भाई, तो देखो अब यहाँ से हम दो ऊपर पहुँच जाएगा दो रूट तीन, और नीचे हो जाएगा ये चार प्लस दो रूट तीन। ठीक है चार प्लस दो रूट तीन, देखो तो ये दो नीचे से कॉमन निकाल लेंगे, रूट थ्री बटे टू प्लस रूट थ्री। ठीक है भाई, ये आ गई हमारी आर टू। देखो अब आर वन ये आई और आर टू ये आई, अगर हमें इनका एरिया का रेशियो चाहिए तो क्या करेंगे भैया, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो इनका रेशियो करेंगे। तो देखो तो एरिया का रेशियो ए वन बाई ए टू वन अपॉन, अब इसका स्क्वायर, ठीक है भाई, तो वन अपॉन इसका स्क्वायर क्या करेंगे, एक बार उल्टा हो जाएगा एक तरीके से भाई, वन अपॉन रूट थ्री बाई टू प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर। ठीक है चलो, तो बराबर आप देखो कूद कर टू प्लस रूट थ्री का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और नीचे हो जाएगा रूट थ्री का स्क्वायर, कह सकते हो तीन। अब इसे खोल देंगे ऊपर वाले को चाहो तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी बटे तीन। ठीक है भाई, तो ये सात प्लस चार रूट तीन बटे तीन आ गया, सात प्लस चार रूट तीन बटे तीन। ठीक है भैया, तो ये रेशियो आएगा इनका। अब देख लो आप ये ऑप्शन में है या नहीं है, ठीक है भाई, तो अपना वो छोटे से बड़े का रेशियो आया है और इसने पूछा है छोटे और बड़े का रेशियो। ठीक है भाई, तो देखो ये ही आएगा ऑप्शन नंबर ए, सही है ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है भाई, तो उसमें था कुछ नहीं, बस ये है कि मैंने सारी चीज़ें अलग अलग निकाल के दिखाई हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या दोनों की, लेकिन आप लोग उसे जल्दी जल्दी करेंगे तो वो जल्दी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, अब ये देखते हैं, देखिए इसे देखिए, इसमें क्या पूछा है, ए बी सी डी ई एफ एक समषटभुज है जिसका क्षेत्रफल 180 है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। अब देखो भाई इसमें भी हमें फिर वही छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। चलो देखते हैं, देखो मैं इसे साइड में रख देता हूँ। अब आप एक चीज़ देखो, जो ये छायांकित पार्ट है ना, वो भी एक जो छः इक्विलेटरल ट्रायंगल से बना हुआ है, जिससे ये उन्हीं छः का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसका कोई पार्ट है। तो चलो हम ये बनाते हैं, देखो ये हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया, ठीक है भाई, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया। अब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या किया हमने, इसकी फिर वही से बीच में से माध्यिकाएँ खींच दी सारी, ये माध्यिकाएं सारी की सारी खींच दी। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो एरिया है ना, जो ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये सेडेड वाला, यही पोर्शन है सेडेड पोर्शन। तो अब इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी अपना क्या है कि जब हमने ये सारे क्रॉस करे तो ये सारे इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड हुए हैं। ठीक है भाई, ये सब इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड हुए हैं। जैसे
ये वन, ठीक है, और ये भी वन, ये सारे वन वन पार्ट में हुए हैं। तो कह सकते हैं कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया इस तरीके से कितना बनता है, तो ये छः बनता है, कितना बनता है, छः, और ये पूरा का पूरा इस तरीके के छः से बना हुआ है, तो कह सकते हैं कि पूरे टोटल का कितना हो गया, 36। भाई पूरे समसठभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया इसका, 36 हो गया, और 36 का रेशियो हमें कितने से निकालना है, इन दो पार्ट से। भाई सेडेड पोर्शन तो ये दो ही है ना, देखो दोबारा से ये चीज़ देखो, ये जो चीज़ है ना, ये वाली जो चीज़ है ये, तो ये यही वाली चीज़ तो है ऊपर ऊपर की, तो ये दो ही पार्ट तो हैं। तो कह सकते हैं कि जो अपना ये सेडेड पोर्शन है, इसका अनसेडेड से जो रेशियो है, भाई सेडेड बाई टोटल, सेडेड का टोटल के साथ जो रेशियो है वो 2/36 है। सेडेड का इसके साथ कितना है, 2/36 है, कह सकते हैं 1/18। अब इसमें पूछा क्या है, मैं एक मिनट देख लेता हूँ, इसमें पूछा है हमसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और जिसका पूरे का क्षेत्रफल 180 दे रखा है, पूरे का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 180, मतलब कह सकते हैं कि 18 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 180 दे रखी है। तो भैया एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से एक की वैल्यू हो जाएगी 10, ठीक है भाई, तो यही अपना आंसर है 10। तो समझ में आया ये क्वेश्चन आप लोगों की, भाई हमने ये देखा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का ही कोई भाग है, फिर हमने उस इक्विलेटरल ट्रायंगल के बीच में माध्यिकाएं खींच के सारे जो है पार्ट कट कर दिए, और ये सब बराबर बराबर के होते हैं, तो इसलिए ये 1/6 बनता है, जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके कितने बने, ये 6 बने, और 6/6 के टोटल जो पूरा षटभुज बना हुआ है वो 6 से मिलकर बना हुआ है, इसलिए टोटल 36 हो गए, और 36 में से 2 का रेशियो 1:18 आया, 18 की वैल्यू सवाल में 180 दे रखी है, इसलिए 1 की वैल्यू 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो भाई ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इस क्वेश्चन में भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा, समसठभुज से है ये, तो इसमें भी जो एक कंसेप्ट लगेगा वो कंसेप्ट अपना समलंब का है, और समलंब का बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है। चलो मैं इसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ, देखो हमसे इसमें छायांकित भाग पूछा है, छायांकित भाग के बारे में चलो बात करते हैं। देखो देखो ये एक समलंब है, ठीक है, ये एक समलंब है, और इस समलंब का मैं एक चीज जो समझा रहा हूं आपको वो ये समझाऊंगा, ये देखो, देखो जब हम इस समलंब के दो विकर्णों को मिला देते हैं, और ये समलंब कैसा है, ये तो समांतर होती हैं और ये भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये समद्विबाहु समलंब होता है। तो समद्विबाहु समलंब के बारे में क्या बात याद रखनी होती है, कि अगर मान लो इसका एरिया ए है और इसका एरिया बी है, तब ये जो साइड के होते हैं वो अंडर रूट ए बी होते हैं, ये बात हमें बड़ा ध्यान देने वाली बात है कि दोनों ही बराबर बराबर होंगे और अंडर रूट ए बी के बराबर होंगे। समझ में आई बात आपके, भाई क्या समझ में समझाना था मुझे, कि अगर ये पोर्शन ए है और ये पोर्शन बी है, तब ये जो दोनों बराबर बराबर के पोर्शन होते हैं वो रूट टू ए बी के बराबर होते हैं, ठीक है। अब आप अगर ध्यान से इस क्वेश्चन के अंदर देखोगे तो जो सेडेड पार्ट है ना ग्रीन वाला, वो कोई और पार्ट नहीं है, वो ये वाला रूट ए बी वाला पोर्शन है भाई, ये रूट ए बी वाला पोर्शन है। तो अब हमें क्या करना है, इस रूट ए बी वाले पोर्शन का पूरे के साथ हमें एरिया बताना है कितना होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, तो इसमें क्या दे रखा है कि कितना प्रतिशत हमें टोटल का परसेंटेज बताना है इसके साथ। अब एक काम करते हैं, चलो हम ये मानते हैं कि इसकी भुजा अगर हम एक ले लेते हैं, भाई मान लो इस षटभुज की भुजा हमने एक ले ली, ठीक है, एक मिनट, चलो यहाँ देखते हैं, तो हमने इसकी भुजा कितनी मान ली, एक मान ली, या चलो एक नहीं मानते, इसे दो मान लेते हैं, हाँ इसे दो मान लेते हैं, चलो ये दो मानते हैं।
तो जब दो मानेंगे तो आप कहेंगे कि भाई पूरे का जो एरिया होगा वो होगा 6 × 1 इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का कितना एरिया है, तो आप कहेंगे कि भाई एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का होता है √3। क्यों? क्योंकि भाई दो भुजा वाले का √3 ही तो होता है, तो इसलिए पूरे का जो एरिया हो गया वो 6√3 हो गया। अब हम बात करते हैं कि भाई इसका कितना होगा, ठीक है भाई, तो एक इसका भी तो चाहिए हमें, तो अब इसका कितना होगा, तो ये इसका आधा होगा, इसका 3√3 होगा, ठीक है भाई, ये कितना होगा अपना 3√3 होगा। या एक काम करते हैं, ऐसा नहीं कर रहे, ठीक है, इस तरीके से नहीं कर रहे, ऐसा करते हैं कि भाई चलो इन्हें मिलाते हैं पहले, देखो ये मिलाते हैं भाई, ये तो हम मिला ही लेते हैं क्योंकि ये हमें बताना है, और हमें बताना क्या है, हमें ये पोर्शन बताना है। चलो एक काम करते हैं, क्योंकि भाई देखो हमें तो परसेंटेज चाहिए, तो परसेंटेज में हम डाटा कुछ भी माने उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने का, तो हमने ये जो पोर्शन है ना, देखो मैंने ऐसा मान लिया कि इसका एरिया तो 2 है और इसका एरिया 8 है, तो आप कहोगे भाई अगर ये 2 है ये 8 है तो ये जो चीज़ होगी वो √AB के बराबर होगी, ठीक है भाई, √AB के बराबर होगी, या कह सकते हैं √8 × 16, √16 का क्या मतलब है कि ये वाला पोर्शन 4 एरिया हो गया इसका, तो इस वाले का भी कितना हो गया, 4 हो गया। तो अब आप बताओ इस पूरे समलंब चतुर्भुज का कितना एरिया बना, तो इस पूरे समलंब चतुर्भुज का इस वाले का जो एरिया बना वो 4 × 4 = 8 + 8 = 16 + 2 = 18 कितना बना, 18। और ऐसे ही ऐसे पूरे षटभुज में 2 हैं तो 18 और 18 = 36, तो पूरे का एरिया जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और हमें 36 का कितने के साथ वो बताना है, परसेंटेज जो बतानी है वो सैडिड पार्ट की बतानी है, तो सैडिड पार्ट तो अपना ये वाला है भाई, सैडिड पार्ट तो ये वाला है जिसका एरिया 4 है, तो इसका मतलब हमें जो परसेंटेज बतानी है वो 4 की टोटल के साथ बतानी है, 36 के साथ बतानी है, कह सकते हैं 1/9, और 1/9 किसकी फ्रैक्शन होती है, 11.11% की, ठीक है भाई, तो ये इसका आंसर है। तो हमने भुजा मानने की जगह हमने क्या मान लिया, हमने क्षेत्रफल इस हिसाब से मान लिया जिससे कि हमें आसानी हो जाए, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर आ जाएगा। चलिए ये ए आंसर है, नेक्स्ट देखिए, ठीक है भाई, तो यही अपने इतने सारे इसके क्वेश्चन थे, ये अपना समषटभुज जो है वो ख़त्म हुआ, ठीक है, रेगुलर जो इसका हेक्सागन का था दूसरा पार्ट, ये अपना ख़त्म हुआ, ठीक है। इसी के साथ आप लोग इनकी प्रैक्टिस करना, मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाए थे इसमें, ठीक है, सेडिड अनसेडिड के क्वेश्चन भी इसमें एरिए के अच्छे अच्छे थे, ठीक है, तो आप लोग इनकी प्रैक्टिस करना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, धन्यवाद।